खरगोन जिले में राजस्थान पासिंग वाहनों से गोवंश परिवहन करते हुए महाराष्ट्र जाने के मामले थमते नजर नहीं आ रहे हैं। शनिवार रात पुलिस ने राजस्थान पासिंग एक वाहन को गोवंश परिवहन करते हुए रोका है। फिलहाल पुलिस ने दस्तावेजों की जांच शुरू की है। थाना प्रभारी बीएल मंडलोई से मिली जानकारी अनुसार राजस्थान के जालना जिले से 7 गाय और 2 बछड़े परिवहन करते हुए एक आयशर वाहन पकड़ा है। यह गोवंश महाराष्ट्र की ओर ले जाया जा रहा था। खरगोन सीमा से इसे पकड़ा है। वाहन में सवार चालक ने कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, जिसकी जांच की जा रही है। यदि अवैध परिवहन पाया गया तो FIR दर्ज की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। ये एक आयशर राजस्थान की है, जहाँ से की 7 गाय और 2 बछड़े लेके जा रहे हैं। तो इस संबंध में अभी पकड़ा है इसको और इस संबंध में अभी कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई उपरांत इसमें जांच उपरांत FIR दर्ज की जाएगी। ये खरगोन में जो खरगोन का जो मेन हाईवे है, वहीं से इसकी सूचना प्राप्त हुई थी, वहां से पकड़ लिया। कहां से लाए सर? ये राजस्थान से महाराष्ट्र के जालना जो है डिस्ट्रिक्ट, वहां के किसी गांव में ले जाना बता रहे हैं और उस संबंध में कुछ कागजात पेश करें, जिनकी जांच की जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।